Hello guys, you're watching uh, Triple Trouble Podcast and I am Ali Gulpeer, the host. And and then I have two sidekicks with me on this show. Akbar. Uh, you don't need to know their full names. They're just Here for the ride. टिंग प्रॉप्स सपोर्टिंग कैरेक्टर जूनियर फंस जाए तो हम इनको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं जूनियर आर्टिस्ट है आप लोग ठीक है अली सर किसी वजह से ही कहते हैं आपको मैं तो नहीं कहती अच्छा आप नहीं कहती आप बराबरी करें हम तो <laughs> आप, आप कहते हैं <laughs> <नहीं। laughs> कुछ नहीं कहते हैं अच्छा इंग्लिश लेसन देना चाहूंगा इंग्लिश वर्ड होता है फॉर एनी बडी हुई और उसको कहते हैं रिकेल सिंट ओके अच्छा बड़ा मुश्किल है अथॉरिटी मतलब, मतलब, से authority. है, तो आप रिकेल है तो हम यही क्यों ना बोल रहे यार

और उसके ऊपर ऊपर से जो hmm. जो उसको चीजें अच्छी लगी और इजी है वो उसने अनफॉर्चुनेट hmm. hmm. is... है इंग्लिश भी नहीं आती उर्दू भी नहीं आती हाँ. उर्दू में बात नहीं करनी और इंग्लिश आती नहीं अभी शो पे एक कपल आया हुआ था तो एक्सेंट वाला कपल था ये मैं उनकी बजा रहा था थोड़ी तो मैंने ऐसी उससे और वो दे रहे थे कि यार दिस शो कर बीन अ लिटिल डिफरेंट इस तरह अच्छा। करके बात कर रही थी ना तो मैंने भी आ आ, मैंने उनसे जेंट्स से कहा कि सो देन हाउ डिड यू गो अबाउट कोटिंग द लेडी अच्छा मैंने अपने शो में एक चीज डिस्कवर की वो की ई एलेवन में लोग जा रहे हैं ऑडियंस मेम्बर में एक बंदे ने बोला कि ई इलेवन आई आई आस्क फॉर लोकेशन फॉर आ सीन एंड ही सेट ईन एंड एवरीबडी लास्ट इलेवन अच्छा। so we well, पे कपल जा रहे पार्क, पार्क जहाँ पे नेचर शायद बहुत है और झाड़िया और <laughs> नहीं, नहीं, अच्छी तरीके से बता रहे हैं, की एक चकला रेपुटेशन है और जैसे चकलाला है ना तो यहाँ ये सिर्फ चकला है इलेवन <laughs> एंड uh, वहाँ पे मसाज पार्लर भी एक उनका चल रहा yeah, हाँ। oh, so है, है, भी भी हाँ है। इस्लामाबाद का था अच्छा क्या बोलते हैं इस्लामाबाद में रोल बूम बूम रोल होते हैं तो या या आई आई मैंने सुना है ये रोल है उनको बूम, बूम 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 रोल मजे हैं भाई चले सांबा शिफ्ट जाते हैं सब अच्छा आज का टॉपिक है ठंडा गरम बिकॉज आप जब भी किसी के घर आते हैं तो आपसे पूछा जाता है ठंडा या गरम तो हमने सोचा कि वी शुड हैव अ डिबेट बिटवीन द टू एंड हाउ अबाउट आई होस्ट दिस डिबेट Oh! नहीं 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 होस्ट का no? किरदार मुझे रहने दें आप आप बेहतर कर लेते हैं ये ठीक है वो, आ, वो तो तो आप किस साइड की तरफ हैं है सर मैं गरम पे रहूंगा गरम पे हैं और हम तो कूल लाल क्यू कम्बर बड़ा अच्छा दिया ये

इस पर क्या कहते हैं कि यंग और ओल्ड फ्रेंड्स होने चाहिए या अपने ही साथ के थिंक इसमें का कोई ताल्लुक नहीं मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो साठ साल के हैं हुँ. और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बट आई थिंक आई हैव टू से पिक वन आई थिंक मैं ओल्डर लोगों से ज़्यादा क्लिक करता हूँ रिलेटिव मेरे, मेरे कोई यंगर

ठीक है। है। चले खैर एक अच्छी भी होगी। नहीं आपको हमारे बारे में पता चली चीज़। तो आप ठंडे हैं आप गर्म है ठंडा चुना ठंडा चले ठीक है तो अब एक एक चीज पे आते हैं जिसमें तासीर की बड़ी बात होती है ठंडी और गर्म तासीर तो ये टॉपिक्स की तासीर पे हम जाते हैं अच्छा फिर जो है ये बताएं कि आप जब कुछ पीना चाह रहे हैं ठीक है इस मौसम में आजकल एक गर्म मौसम है कराची में स्पेशली एक तकलीफ मौसम है तो आप लोग क्या पीना चाह रहे हैं आप फिर भी गर्म पी रहे हैं देखे चाय तो चल रही है चाय चल रही है एनी टाइम ऐसा तो कोई नहीं नहीं। चाय पीने वाला सोच रहा है यार बहुत गर्मी है मैं चाय नहीं पीऊंगा ये बात है पता है चाय वाले लोग यार तपती हुई गर्मी में भी चाय पी लेते हैं कैसे कड़कती धूप में बाहर बैठ के और देखें असल में गरम लिक्विड आपके लिए बेहतर है कहते हैं जो चाइना में ये जो गरम पानी गरम पानी पीते हैं हाँ। तो हाँ। वो उनके लिए ना? अच्छा होता, हाँ। हाँ। होता है फ़ायदा होता है तो तो ये अच्छी बात है गरम पीना चाहिए बिकॉज चाहे जो भी टेम्परेचर हो क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बेहतर है बिल्कुल भी नहीं नहीं आप नहीं है। बिल्कुल भी नहीं ये गरम लिक्विड पी पी के हमारे आप देख रहे हैं ना क्या हालत हो रही है लोग पागल हो रहे हैं गर्मी चढ़ी हुई अच्छा, भी भी है उनको <laughs> क्यों गरम चाय पी के ठरकी हो रहे <laughs> हाँ ये गरम हर जगह लगता है ना अब आपको हर जगह क्या बात है यार तुम अबे आप लोग की लेवल पे आ रही हूँ ना डिबेट की आप लोगों <laughs> मुझे बोला लगा था लगा। मैं बता दू कॉटे इस एपिसोड से पहले बोला था हम तुल तुम्हारी आगे बहुत लॉजिकल है

अब वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लड़ाइया हो रही है झगड़े हो रहे हैं गर्माहट भी हो रही है एक दूसरे पे चढ़ रहे जानवर बन गए एक दूसरे पे चढ़ रहे हाँ मतलब खुले आम जो है आप कहिए और जीत चल रही है एग्जैक्टली एग्जैक्टली झाड़ियों में लोग जा रहे हैं ई लेवल में तो चाय पी के जा रहे हैं हाँ अब चाय पी के जा रहे हैं क्वेटा होटल से अपना बिस्किट हैं हाँ अब जब आप बिस्किट टूट के अंदर भी कभी कभी गिर जाता है तो ये भी एक मसला है गरम गर्म गैग में नी ये है कि आप जी देखें ठंडा तो है ना बस ठंडा पी लिया गरम का ये कि जल्दी मुंह में डाल दिया जला देगा डिबोया हाँ। तो वो शायद हम रख लें हाँ।, हाँ फिर एंड में सरप्राइज रहता है ना एंड में फिर आप फिर वो चूरा बन जाते फिर वो चमचे से निकाल के आप ये भी एक देखे एक इसमें एक इन्वॉल्वमेंट है आपकी ये नहीं है कि बस आया लें ये है कि आपको ठंडे आप में क्या ठंडे में आपको इंसान आप कूल रह hmm. है, सकते हैं hmm. आपका दिमाग ठंडा है कूल है पुरसकून है अच्छा चले इस पे आते हैं हम तो तबीयत की तरफ थोड़ा आना चाहूंगा मैं आप क्या कहेंगी कि आप एक गर्म तबीयत की हैं या ठंडी तबीयत की मेजोरिटी ठंडी तबीयत की लेकिन गरम हो रही है कभी कभी गरम।, गरम हो जाती हूँ उसको कभी कुछ पे गुस्सा आए ये वो मैं काफी कंट्रोल कर लेती लेकिन गुस्सा आपका आपका कैसा है फट जाता है क्योंकि जो अमूमन हाँ। कूल किस्म के लोग होते हैं हाँ। उनका जब गुस्सा आता है वो बहुत ही बुरा गुस्सा होता है शरीर हाँ। होता है नहीं 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 मेरा ऐसा एक्सट्रीम नहीं है इतना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा आपने मंटो के वो ठंडा गोश्त पढ़ा है नहीं कैसा पढ़े? हाँ। ठंडा गोश्त इज नॉट गुड थिंग ठंडा गोश्त वी कॉल डेड बॉडी क्योंकि वो ठंडी हो जाती है तो जो इंसान लिविंग होता है ना वो गर्म होता है क्योंकि उसके अंदर खून जा रहा है हरकत हो रही है फुर्ती है सो बींग गर्म इज अ साइन ऑफ लिविंग हमारी क्लास में इस इस बात पे मैं जिक्र करना चाहूँगा शाहिद पावर का शाहिद बाबर <laughs> शाहिद पावर कौन है ये ये मेरे क्लास में होता था क्लास थ्री में शाहिद पावर पावर क्लास अच्छा पावर। सिंधी, सिंधी, नाम है अच्छा, शाहिद पावर अच्छा, मुझे लगा कोई जैसे वायग्राक सेल्समैन है शाहिद पावर <laughs> नहीं वो पांच पांच क्लास में था ओके ओके कोई सेल्समैन नहीं था वो स्टूडेंट था क्या बोलता था क्लास थ्री और फाइव में वो बहुत ठंडा होता था हमेशा रिलैक्स उसको कोई काम बोलो हो जाएगा आधे घंटे का काम दो घंटे में हो रहा है ठंडा है ना एक दिन उसने बाहर गया ठेले पे हर वक्त छुट्टी पे आता था गोला गंडा वो आज अच्छा अच्छा छक छक रेमबो दूँ रेड में दूँ ग्रीन में पूछता था तो शायद पावर ने वो ठंडा खा लिया अब वो भी ठंडा गोला गंडा भी ठंडा एंड मर गया शायद पावर सो so, अच्छा मैं मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैं उसकी मौत से सीखा कि ये बहुत एक्सट्रीम में ले गया ठीक है आप देखिए आप ये ज्यादा हो गया हम लेट्स नॉट मोरल है दिस शायद पावर है डियर उसकी आ, आत्मा को हम यू you नो know, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आई थिंक रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ओके ओके ओके

कि बस अच्छा ये भी अच्छी बात की आपने अमतुल के लतीफों पे भी है हाँ। पे गरम लतीफे जो ठंडा होता हाँ, है।, ये जैसे अभी, है जैसे अभी अमतुल ने मारा ठंडा जोक कोई ठंडा जो <laughs> लेकिन ये है हाँ यार। जलना ना, जल, गई, जल गई जल गई जल रहा है तो मतलब गर्म हो रहा है ना वो तो उसका भी नेगेटिव है कॉन्टेशन के जल रही है और भाई गर्म क्यों हो रहा है तो गर्म क्यों हो रहा है जब गुस्सा हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि गर्म हो रहा है तो देखिए

हीट इन सेक्स इज गुड हाँ नहीं उसकी वजह से गलत काम भी तो हो रहे हैं ना लोग कॉन्सेंशल सेक्स जरूरी थोड़ी कि हो रहा हो एक बंदा गरम है दूसरा ठंडा है अब फिर क्या होगा नहीं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ गरम गरम होना चाहिए हमेशा गरम गरम होना बड़... चाहिए आई नॉट चारे, चारे गरम गरम। <laughs> Always। तो, बेड सीन हो जाएगा ना हमारा वो तो वैसे ही है नहीं और एक्सट्रीम हो जाएगा अगर सभी गर्म रहने लगे आप सोचे सब गर्म ही गर्मी हर जगह गर्मी गर्मी है वैसे हमारे ग्लेशियर्स पे रहे हैं लोगों की गर्मी की वजह से पिघल आप हाँ, कहती हैं अब जब इनके शायद बबर गोला गंडा खा के मर सकते हैं तो हमारे भी लोग गर्माट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है बिल्कुल और ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फिर आपको पता है फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल खत्म हो जाएगा अंटार्कटिका खत्म हो जाएगा हमारी सारी जो कोल्ड में रहने वाले एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे फिर ये तो वैसे सही ठीक है अब आप मुझे बताएं अगर हर जगह गर्मी होती तो बेचारा जो पोलर बेयर है मासूम अच्छा अगर पोलर 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 बेयर बेयर ही चल रहा है कहां होता फिर पेंगुइंस पेंगुइंस इतने क्यूट बेयर्स कहा जाते हैं उनको डीप फ्रीजर में डाले अगर डीप फ्रीजर चाहे? कैसे होता जब गर्मी हर जगह बर्फ तो होती नहीं अच्छा मुझे लगता है कि डीप फ्रीजर पेंगुइन के लिए एक अच्छा पिंजरा है अगर पालना चाहे तो आप डीप फ्रीजर में रख सकते हैं लेकिन यार उसको देख नहीं सकेंगे ना

वो एक लाइक कॉन्जरवेटरी टाइप ऑफ जगह पे गए थे अब्रॉड यहाँ तो पेंगुइन है ही कहा हमारे पास <laughs> तो वहाँ वो कहीं बाहर थे और वो खुले घूम रहे होते हैं ना लाइक यू कैन आल्सो लाइक पेट डैम एंड टच डैम और वो इतने सीधे बेबी पेंगुन तो इतना स्टफ्ट हो जाए इतना छोटा वो बच्ची ने उसको उठाया अपनी शर्ट के अंदर ड्रेस के अंदर डाल के ले आई अब oh वो गाड़ी में जा रहे हैं और बच्चे ना हंस रही हैं पीछे ही ही हंस रही हैं और वो कह रहे हैं कि इतना क्या हंसी आ रही क्या हो रहा है पता चला ड्रेस के नीचे से पेंगुइन निकल रहा जाए तो अम्मी गाड़ी में देख लिया कि ये क्या के गर गर के खा लिया छोटी छोटी बच्चे सेवन एट ईयर ओल्ड पेंगुन हलाल गुड क्वेश्चन बट ठंडा गोश्त है ना तो हराम होगा फिर क्यूँकी पेंगुन का गोश्त तो ठंडा होगा आपको लगता है किसी ने खाने की कोशिश की होगी पैंगुन हो बट खा सकता हो कोशिश को, तो की होगी आप हाँ आई थिंक खा सकते हैं क्योंकि अगर डग खा सकते हैं और ये भी ठीक है और बर्ड्स खा सकते हैं बैंगुने जाला। बैंगुने जाला।

एक दूसरे को खा लिया था जिंदा रहने के लिए लेकिन वो मर गए थे उसके बाद उन्होंने उसका गोश्त खाया था उनको मार के नहीं खाया था हाँ। देखिए इसमें भी मोरालिटी उन्होंने कहा हम मार के नहीं खाएंगे जो मरा हुआ होगा उसको खा लेंगे तो अगर कोई मरा हुआ हुआ तो आप खा लेंगे फिर हाँ अगर यही सर्वाइवल मैं तो मार के भी खा लूंगा अच्छा या मैं बोलूंगा अकबर यार थोड़ा ऐसे करते तेरा थोड़ा आर्म काट लेते हैं टांगों की कमेंट्स बहुत तारीफ हाँ। आती है तो तेरी टांग तो क्यूँ नहीं खा रहे हम मुझे लगता है तेरे में ज्यादा गोश्त हो, होगा लड़ाइयाँ पता है इसी तरह होती है ना तो ये तुम्हें क्यों नहीं खा रहे तो लड़ाई हो जाती है तुम में ज़्यादा चर्बी है तुम में ज़्यादा नहीं, नहीं 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 ये नहीं। बेहतर है टॉस लेकिन देखिए अगर आप हाँ, होगा lose, का लेंगे ना। ऐसे दो तीन लोग खा लेंगे ताकि आपको रियलिस्टिक डे टू डे कंसर्न ऑफ माइंड यार किसी दिन कोई खा न ले मुझे मैं पतला हो जाता हूँ चले ठीक है अच्छा इसी पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं के अमूमन कहा जाता है कि अभी जो डिस्कस किया था तासीर वाला जो मसला है ये नहीं खाओ गर्मियों में इसकी तासीर गर्म है और गर्म हो जाओगे बिल्कुल खजूर की तासीर गर्म है ड्राई फ्रूट की है आम, आम की झींगे गोश्त रेड मीट इसमें आप लोग बिलीव करते हैं या नहीं बिल्कुल कर? बिल्कुल थोड़ा बहुत हाँ दाने निकल जाते हैं मेरे तो मुंह पे गर्मी में अंडा खाया तो दाने निकल आए दाना ज्यादा अंडे खा लिए या ज्यादा आम खा लिए बट देखिए ठंडी तासीर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता ठंडा खाना कभी भी खा लो जैसे कि वाटरमेलन की तासीर बड़ी ठंडी होती है क्यों की तासीर बड़ी ठंडी होती है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो आप किसी भी साल में किसी भी महीने में नहीं होता कि वाटरमेलन ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है मेरा तो नहीं हुआ आज तक कभी आपने ज्यादा नहीं खाया होगा मैंने बहुत खाया है हाँ? एक -एक एक एक हाँ। हाँ। तो क्या पेट खराब होगा बट हाँ भी सुना है, वैसे हो जाता है। लेकिन शुक्र से हुआ नहीं है बट देखें कमिंग बैक टू माई पॉइंट ठंडी तासीर से आपको कोई डेंजर नहीं है कोई इसमें एक... अच्छा और चीजें बताएं इसके अलावा जिनकी ठंडी तासी आइसक्रीम खाने से आपका नहीं हो रहा है ये भी मिथ है बाय द वे इस पे बड़ी रिसर्च की है सही हां ये आइसक्रीम आइसक्रीम से कोई गला खराब नहीं होता अच्छा ये, ये खैर मैं भी बिलीव करता हूं हमारे वाल्डेन डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से भी जो ये कहते हैं कि गला खराब होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे और सिर्फ आई थिंक जो आपकी ठंडा और गर्म की चीज है ना वो गट हेल्थ को फर्क पड़ता है हो सकता है पीएच जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ऊपर hmm. नीचे हो सकता है बाकी और कोई उसका ताल्लुक नहीं है मे बी अफेक्टेड बाय इट गर्म पानी अगर आप पिए तो उससे शायद आपकी डाइजेशन बेहतर स्मूदर हो रदर देन दैट बट उसका कोई नहीं है बट ठंडे देखें ठंडा आप वुड यू प्रफर लिविंग इन स्नो माइनस

तो so मतलब मैं नहीं कर सकता ये हाँ। जैसे आपने शायद Canada में -15, 20 टाइप, आप क्या करेंगे गर्मी से आप फिर भी बच सकते हैं अगर क्योंकि आपका जो जो ठंड थं, है ना तो जब माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी होती है ना फिर आप चाहे जितनी भी कपड़े पहन लेना आपको वो जो चुपती हुई जो ठंड होती है बिकॉज दैट्स लाइक चुपती हुई ठंड तो वो आपको इंस्टेंटली आई थिंक कैन यू नो गर्मी का ये कि आप अगर शेड में खड़े हो ना तो आप पचास होने तो आपको फील फोर्टी होगा यू you नो know? आप वो फिर बहुत ट्रिक्स हैं जैसे आप गीला नहा लें, अच्छा ये गांव में फैसिलिटीज़ भी होती है ना रूरल एरियाज में हमारे के अगर गर्मी है तो You know, नहर में नहा लिया ट्यूबवेल ट्यूब चला लिया यू नो सो सो इट्स मच मोर इजी टू से ट्रा लिया हाँ। या फिर वो जो जुगाड़ होती है जो लोकल एसी कूलर की वो कि जहाँ ड्राई <coughs> हाँ और फिर उस पर पानी फेंकते हैं और पंखा चलाते हैं तो नहीं बोले आई ऑल्सो अग्री मैं भी एक्सट्रीम कोल्ड नहीं बर्दाश्त कर सकती आई एक्सट्रीम गर्मी आपने मैक्सिमम कोल्ड क्या बर्दाश्त किया ज्यादा नहीं मैंने वैसे आई थिंक माइनस टेन माइनस ज़्यादा क्या है? ये तो वह बहुत ज्यादा है यार नहीं यार जैसे लोग तो माइनस माइनस ट्वेंटी कनाडा में माइनस थर्टी तक चला जाता है वो मैंने नहीं कभी माइनस टेन माइनस फिफ्टीन मैक्स नॉट मोर देन दैट मैंने एक बार यही माइनस टेन की बात है मैं सोया हूँ और मैं सुबह उठा और मैं यूं नहीं कर पा रहा गर्दन। और वो तकरीबन शाम तक है ना सही नहीं हुई गरम गरम शावर लिए तो हाँ। ये वो फला अच्छा मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम कोल्ड में ये भी हो रहा है एज यू ग्रो ओल्डर वो नहीं ये जिस्म अकड़ जाता है हां ये वाला है यस कम्युनिटी वाले मसले हाँ बिल्कुल क्रैम्स हो गए अकड़ गई कमर डेफिनेटली आई थिंक आई एग्री कि सर्दी में अब कितने कपड़े पहन लो गर्मी hmm. में तो फिर भी यू कैन शेड लेयर्स कि ठीक है नेकर पहन ली आपने जो भी टैंक टॉप पहन लिया जो भी ये वो नंगे हो गए हाँ, हाँ, है तो जैसे मैंने शूट किया है इन 45 डिग्री hmm. पूरा दिन का शूट कुछ तो हमने किया था ना नहीं हमने नहीं किया था सो uh, so, पर प, पर उसमें ही हो जाए कि आप शेड पंखा हो शेड हो पानी हो तो आप

समर का जो फैशन होता है ना वो भी अच्छा होता है विंटर hmm. के जो क्लोथ होते हैं वो नहीं, बहुत नहीं, नहीं। देखो hmm. 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 आगे अच्छा तो. ये आप पहन रहे अपने लिए बता <laughs> रहे। मतलब देखिए हर मर्द हर रात तो नहीं देख रहे ना आपके भले फैंस ऐसे But होंगे। बिकिनी भी तो बहुत लेडीज बिकिनी हर कोई बिकिनी थोड़ी पहन रही है कौन पहन रहा कंप्लेन तो ये क्यों पहन रही पहने सब पहने बट नहीं आई I would, I would, yeah you know, uh, winter fashion is also very smart and very sexy अब हाँ वो अलग बात है कि उसमें ज्यादा exposure नहीं हो रहा तो कुछ लोग तो खुश नहीं हो रहे मतलब खुला शर्ट कोई इनको और ये आपको अच्छा लग रहा है इनको कंफर्टेबल लग रहा है मैं तो कंफर्टेबल आपको रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है नहीं मुझे तो रिलैक्स है ये रिलैक्स है इनको तो बिकिनी में देखना है ना मुझे <laughs> ये वो मैं नेक्स्ट टाइम एपिसोड में पहनूंगा कॉम्प्रोमाइज करके चल बट विंटर में देखिए आप नाइन ए अच्छे अच्छे आप अपना ओवरकोट

है <laughs> थोड़े दिन पहले एक WhatsApp, नोट चल रहा था, बेटा, WhatsApp, में बड़े स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा, मुझे नहीं भेजा ये चल रहा था अच्छा, 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 जैसे वो करीम वाला नहीं था एक बटा मैं हूँ थोड़ा एक्सपोज जरूरी है तो गर्मी इस नजरिए से है अच्छी और गर्मी होती है तो आप फिर बीच जाते देखिए अब एक्टिविटीज की भी देख फेस्टिवल्स आउटडोर नेचर में आपको वॉक करना है सर्दी में आप कहाँ जाओगे आप स्नो हो रही है या जहाँ हो आप क्या करोगे क्या हाँ घर में बंदू घर है दुण... स्कीइंग करते हैं लोग सर्दियों में नहीं नहीं स्कीइंग सिर्फ अमीर कर रहे हैं अमीरों की एक्टिविटी है ये नहीं जी गरीब भी कर सकते हैं <laughs> कोई मसला नहीं है आम की पीठे की जो वो होते हैं वो पैर पे लगाए और आपका वो स्नो बोर्डिंग हो गई अमीर स्लेजिंग, activity, हो गई। अमीर ये कौन कर रहा है रहे हैं मेरी बिकीरे हमें हमारे मुल्क में है नहीं तो हमें अमीर की लगती है हमारे मुल्क की बातें करें आप अरे नहीं भाई हम तो ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में कौन बिकिनी पहन के घूम रहे हैं यहाँ हम पहन रहे हैं <laughs> आप संडे को आए फ्रेंच बीच हम देखेंगे आपकी नहीं टू पीस टू पीस पहन के टू पीस यू नो और सर्दी में देखिए क्रिसमस भी आता है ठीक है ग्लोबल दे लेवल आ, की बात करी मैं देखिए लोकल नहीं है ग्लोबल ही है लेकिन और देखिए गर्मी की छुट्टियाँ गर्मी ज़्यादा होती क्यों? क्योंकि गर्मी को करना चाहिए सर्दी में क्या नहीं, नहीं, पंद्रह नहीं, सर्दी, सर्दी में ज्यादा शादियाँ ये पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्यादा शादियां होती है डिसम्बर इज द मोस्ट फेस्टिव सीजन गर्म चल रहे होते हैं अंदर नहीं ठंडी का कम आ रहा वो चाह रहे के भाई ज्यादा हमारे जो है ना हमारे ज्यादा इवेंट्स होते हैं दिसंबर में सर्दियों में सर्दियों तो जैसे कौंसर्ट... मुझे शादी में जाने से नफरत है तो आप, मुझे भी आपको जाना पड़ गया दिसंबर में ज्यादा हो रही है शादियाँ बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा अपना कोई चिल चिलकरे हर वीकेंड पे कोई शादी देखिए मुझे तो ये मसला है ये लेकिन देखिए सर्दियों में ज्यादा इवेंट्स होते हैं कॉन्सर्ट्स होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं शादियां होती हैं ग्लोबली तो ये नहीं होता नहीं अब अब तो, तो हम दोनों, दोनों कर रहे दो हैं नहीं नहीं ग्लोबली ग्लोबली देखे दोनों ये, साथ साथ चल रहा जा, है जहाँ इनको अच्छा लगता है तो वहाँ पे वहाँ ग्लोबल हो जाती है जहाँ पे ये अपने डी की बात नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सब सब चलता है सब बिल्कुल अच्छा दूसरी बात आप अगर खाने की बात करें कभी आप बोलते हैं यार ठंडा खाना देना कभी नहीं, आप बोलते नहीं। हैं नहीं ना क्योंकि आपको चाहिए खाना गर्म हमेशा जो भी हो गर्म लेकिन जब आप पानी मांगते हैं तो आप बोलते हैं गर्म पानी हो तो ठंडा पानी पिलाना यार नहीं तो यार तो हम खाने की की बात आ, तो तो की तो बात कर रहे हैं वो है ना या थक के घर आते हैं ठीक है थक हार के काम करके शूट करके शो करके तो आप क्या बोलते हैं और यार खोलता हुआ पानी पिलाना या ठंडा पानी पिलाना बोलते हैं जूठी बोलेगा चाय हो जाए चाय हो, हो जाए फ्रेश आप जब हम शो स्टार्ट करने वाले थे आपने क्या बोला फ्रेश हो जाए। चाय होती तो कितना अच्छा होता हम गए भी जाम शोर हो। ये भी हमने अपडेट भी कर ली। अरे वी वी आपने तो ली थी हमने भी तो निकल गई होगी जॉय हमने फुल किया वैसे we perform for a crowd of 900 950 people Oof. and amazing crowd बहुत मजा आया और फिर हम Achha, मैं आज तक wonder कर रहा हूँ कि उस auditorium की air conditioning क्या होगी मैं देखी थी गर्मी थी हाँ। लेकिन ये नहीं हाँ। हाँ। हो रहा है। हाँ। नहीं है रहा पता अच्छा खासा ए सी होगा थोड़ी देर बाद यू गेट टू इट ना इतना अजीब होता है की आधे घंटे बाद आपको फील भी नहीं हो रहा होता अच्छा वहाँ पहुंचे गुल ने यह सब सेटअप किया था तो उनके जो जामशोरो यूनिवर्सिटी के जो सबसे एक नंबर जगह थी वो थी फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल जहाँ पे हमें सॉर्ट ऑफ ग्रीन रूम टाइप अकोमोडेशन दी थी एंड द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी वेरी हॉस्पिटेबल लवली पीपल शो से पहले आपको पता है नर्व्स होती हैं इतना हम ट्रेवल करके ऊपर से गर्मी डोंट रियली वॉन्ट टू ईट एट दैट पॉइंट अरे इतना खाना ला दे दिए तीन लड़कों के लिए इतना खाना जिंगर ब्रोस्ट पिजा बिरयानी स्वीट और वो हो रहा है कि यार खाना चाहिए अच्छा भी लग रहा है तो शो के बाद खा लेते तो? नहीं शो के बाद था चाय हमें ऑपोजिट चाहिए आ, था एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑपोजिट होना चाहिए इनको पता आ, वो की शो से पहले इनको दो खाना भी था, था। बेट सब था नहाने वो सेटअप

मतलब I mean, hmm. like, yeah, yeah. गरम पिज़्ज़ा हाँ, लेकिन देखिए ले फ्रिज से भी याद है कि ठंडा देखिए आपकी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है सड़ने hmm. है मोल्ड डी के सड़ाती है चीजें वेन यू नीड टू प्रिजर्व समिंग आप इसको ठंडा रखते हैं ठंडक बचाती है चीजों को hmm. पर ठंडक करती है डीप बात अगर करम नहीं हो तो कोक नहीं होगा आ, फिर आप खाएंगे कच्चा गोश्त यू नो सो यू नीड द हीट टू मेक इट बट देखिए आइसक्रीम गरम तो नहीं खा सकते देखिए शायद पावर जिस दिन मरा गोले गड्ढे की वजह से गोला गंडा तो आपके दिल से उतर गया मैं तो नहीं खाया उस बात के हाथ अच्छा नहीं खाया मैं हाथ हां क्योंकि आपको भी डर है ना कि आपके साथ ना हो जाए फ्लैशबैक आते मुझे हाथ लगा के गोले गड्ढे को तो नहीं खाना ठीक है तो आज मुझे इस आज की जो हमारी बहस हुई है उससे आ रहा है कि बालातर नहीं है कोई एक ठंडा या गर्म वेरी इम्पोर्टेंट है हाँ, ये का भिल्कुल। है पंजाबी में यें कहते हैं बट हाँ, ये नीड टू को बिल्कुल गर्म के बगैर ठंडा कुछ नहीं ठंडे के बगैर गरम, गरम कुछ नहीं थर्मोडाइनेमिक्स है बेसिकली ये क्या थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये, ये हमारी इंजीनियरिंग का या ये, ये तो पता है यार हमें पूछ रहा हूँ अच्छा तो बंद <पता। laughs> इंजीनियरिंग की एक फील्ड है थर्मोडायनेमिक्स और उसमें मल्टीपल समझ लें लॉज हैं जिस पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं तो अब फॉर एग्जांपल Explain लॉ uh, अब मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं याद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऐसी होती है शायद आ, के आ, नहीं मुझे एग्जैक्टली exactly उनकी स्टेटमेंट्स नहीं याद तो आई विल नॉट ट्राई बट इस तरह की आइटम है कि जैसे हीट जो है गर्मी गर्माईश उसको बनाया नहीं जा सकता

हाँ। <laughs> गरमाइश अच्छा, जब ठंड में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो आइटम आ रहा है हाँ जैसे कौन? मतलब इंसान पैदा हो रहा है अच्छा अच्छा, अच्छा है। ओके हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा, आया ये काफी सब आए हैं गरमाइश से जब गर्मी ठंडी में बदल गई तो हम आए और हमारा लाइफ साइकिल भी है गर्मी से आए और ठंड में जाएंगे exactly. ये, भी है। ये, ये है इंसान आया गर्मी से है और जाएगा ठंड में तभी दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मतलब आज की डिबेट कोई नहीं जीता नहीं आज की डिबेट को नहीं जीत सकते आप ठीक है अच्छा नहीं मैं मतलब ऐसे पूछा था कि तो क्या देखिए क्यूँकी हम फिलोसफर ही हैं अब ये कहा जा सकता है मेरे ख्याल से तो आ, मेरे ख्याल से आ, विनर तो करना पड़ेगा एक आज तो विनर होना पड़ेगा अगर विनर चाहिए तो फिर आ, आप लोग पे एक जिम्मेदारी आ जाएगी कोई आप वैसा देखिए एक सवाल पूछे आप फाइनल ब्रेकर फाइनल सवाल जिसमें हम हम आपको जो पसंदीदा जवाब लगे तो वो जीते सही है मंजूर ट्रॉफी दिया जाए हा? अभी तक जो हमने किया उस पर नहीं अभी तो फेयरली इवन एक कोई ऐसा हो, होना चाहिए कोई एक, एक जाते हुए एक बहुत भारी बात आप, कर जाए आप पूछें सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सबसे भारी होगा तो उसको तो सवाल क्या है जी के लेट से लेट से के आप अली सर अच्छा दो शायद हो सकता है अलग सवाल पूछूं दोनों से अली सर आप एक आइलैंड पे ट्रेप्ड हैं ठीक है ठीक है आप एक आइलैंड पे ट्रैप है आपने मुझे बताना है कि आपको मौसम अभी गर्म चाहिए ठंडा गर्म आइलैंड पे एक लेडीज आ गई हैं। आह। आप अभी लेडीज जो हैं बिकनी में हैं। आप गर्म या ठंडे गर्म और लेडीज गर्म या ठंडी गर्म ठीक है और अब नतीजा क्या है इस गर्माइश का मौसम आप और लेडीज <laughs> हम जजीरा है ना हाँ तो हम पानी है अराउंड ठीक है तो हम स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं ठंडे हो रहे से ठंडे हो रहे हैं हम ठंडे हो ना रिलैक्स रिलैक्स ठीक है हाँ। तो <laughs> है आदमी आदमी तो होता वो तो एक घंटे का काम पांच घंटे में कर थोड़ा बेहतर जवाब ही दिया आपने यार मैं क्या ही पूछूं आपसे इट नीड टू बी अबाउट अब अच्छा आप कोई, कोई भी सवाल ऐसे हो ऐसे ही सवाल पूछते हैं आपको हाँ जनरल नॉलेज नॉलेज गर्म या ठंडे का डिबेट सेटल होगा एक कम्प्लीटली अनरिलेटेड क्वेश्चन से ठीक है चले जी जो भी बेहतर तो जवाब देगा इस सवाल का वाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड देखें हर किसी को अपनी मंजिल पे पहुंचना है और उस मंजिल पे पहुंचने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है बहुत भारी दाई है बहुत भारी आई है अब वो बेचारी चिकन उसका कोई ना कोई सहारा ना उसके कोई आगे ना उसके कोई पीछे ना दाएं ना बाएं अब वो रोड क्रॉस नहीं करेगी तो और क्या करेगी मंजिल पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको गुजरना पड़ता है ना मरहलों से मुझे लगा नापा के किसी प्ले में बैठे हम बहुत अच्छा दिया सर तो इसीलिए अंडर पास वॉज क्लोज ये जज जो है ना ये ये मैं आज आज ट्रॉफी नहीं है बिकॉज ऑफ अमतुल शर्ट